दोस्तों आप ये वीडियो देखते रहिए और आज मैं आपको बताऊंगा कैसे आप एक ही प्रोग्राम को दो या दो से ज्यादा बार ओपन कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल, आप देख रहे हैं RPM टेक टिप्स। तो दोस्तों आज मैं आपसे बात करूंगा कि कैसे आप कोई प्रोग्राम को या फिर आपके कंप्यूटर में कोई ऐप है तो उसको एक से ज़्यादा बार ओपन कर सकते हैं। दोस्तों इसका फ़ायदा ये है कि मान लो आप कोई एक प्रोग्राम है उसको रन कर रहे हैं, मान लो उसमें कुछ वर्किंग हो रही है और आप चाहते हैं कि उसी प्रोग्राम में हमको कुछ दूसरा भी वर्क करना है, तो नॉर्मली ये पॉसिबल नहीं हो पाता। जब भी आप उस पर क्लिक करेंगे, कोई भी उसका शॉर्टकट हो गया या उसकी .exe फाइल पर क्लिक करेंगे, तो वही प्रोग्राम जिस पर आप वर्क कर रहे होंगे, जो पहले आप वर्क ऑलरेडी आपने करा हुआ है, वही प्रोग्राम ओपन हो जाएगा। बट यहाँ पे मेरे पास एक ऐसा तरीका है जिसकी मदद से आप उसी प्रोग्राम को फ्रेशली ओपन कर सकते हैं, यानी कि उसमें कुछ भी नया, मतलब जो प्रोसेस चल रही है वो तो दूसरे प्रोग्राम में चलेगी जो पहले आपने ओपन किया था, बट यहाँ पे जो हम प्रोग्राम ओपन करेंगे वो नए तरीके से ओपन होगा, उसमें आप दूसरी कुछ प्रोसेस चला सकते हैं। ऐसे करके आप एक ही प्रोग्राम को कई सारी बार ओपन कर सकते हैं। तो मैं आपको इसको कंप्यूटर में चल के बताता हूँ कि कैसे आप इसको ओपन कर सकते हैं। अब दोस्तों एक ही प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर को एक या एक से ज़्यादा बार हमको ओपन करना है तो उसके लिए हमें कुछ नहीं करना है। सिंपली आपको जो है, जो भी आपको प्रोग्राम एक से ज़्यादा बार ओपन करना है उस पर जाना है। जैसे कि मुझे अभी मान लो VLC में ओपन करूंगा, तो VLC प्लेयर है तो इसको मुझे दो बार ओपन करना है ताकि मैं दो जो मेरे वीडियो हैं वो अलग अलग एक ही साथ देख सकूं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, नॉर्मली मैं इसको सिंपली यहाँ पे एक बार तो इसको ओपन कर लूंगा, एक बार तो ये सिंपली ओपन हो जाएगा, बट अगर मैं दूसरी बार इसको ओपन करने जाऊंगा तो वापस से फिर यही ऊपर आ जाएगा, दूसरा ओपन नहीं होगा, यानी कि न्यू यहाँ पे प्रोग्राम ओपन नहीं होगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे हम सिंपली उसी पे जाएंगे और यहाँ पे जो ये VLC है इसके साथ हम क्या करेंगे, यहाँ पे शिफ्ट प्रेस करेंगे। शिफ्ट प्रेस करने के साथ साथ हम जो है क्लिक करेंगे, तो उससे क्या होगा दोस्तों, नया है प्रोग्राम जो है ओपन होगा, यानी कि न्यू तरीके से ओपन होगा, यानी कि फ्रेश ओपन होगा। अगर उसमें वीडियो भी चल रहा होगा तो भी ये इसी तरह से ओपन हो जाएगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास दो VLC प्लेयर है। अब हम चाहें तो इसमें अलग वीडियो चला सकते हैं और इसमें अलग वीडियो चला सकते हैं। दोस्तों ये तो हो गई प्लेयर की बात। अगर हम कोई सॉफ्टवेयर की बात करें तो वो भी हम यहाँ दो या दो से कहीं ज़्यादा बार ओपन कर सकते हैं। अब जैसे कि मैं इसको VLC को एक और बार आपको ओपन करके बता देता हूँ ताकि दो से तीन बार हम इसको ओपन कर लेते हैं। जैसे कि आपने देखा, ये तीसरी बार मैंने इसको जो है ओपन कर लिया। इस तरह से आप कितने भी बार इसको ओपन कर सकते हैं और इसमें कितने भी वीडियो प्ले कर सकते हैं। अब वो डिपेंड करता है दोस्तों आपके आपकी जो हार्डवेयर है, आपका कंप्यूटर का कॉन्फ़िगरेशन है उसके ऊपर। अगर अच्छा कॉन्फ़िगरेशन है तो सब में वीडियो चल जाएंगे एक साथ। अगर बेकार है एकदम कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि ड्यूल कोर है और मतलब रैम भी 1GB है, तो अटक जाएगा सभी वीडियो एक साथ। तो अगर आपका i3 है या फिर ऐसा कुछ नॉर्मल जो आजकल चल रहे हैं तो फिर वो अच्छे से चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चार वीडियो आप एक साथ अच्छे से चला सकते हैं। तो अब दोस्तों यहाँ पे हम देखेंगे कैसे हम जो है सॉफ्टवेयर रन कर सकते हैं। ये तो हो गई प्लेयर की बात, हम इसको कैंसिल कर देते हैं। अब हम यहाँ पे हमारा सॉफ्टवेयर, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मेरे पास एक हैंडब्रेक सॉफ्टवेयर है, तो मैं इसको ओपन करूंगा। तो जैसे कि आपने देखा, ये मैंने इसको एक बार ओपन किया है। अब जैसे ये हैंडब्रेक सॉफ्टवेयर है जो कि वीडियो कन्वर्ट करता है, काफ़ी अच्छे से वीडियो कन्वर्ट कर लेता है। अगर आपको इसका जो है ट्यूटोरियल देखना है तो यहाँ कार्ड्स में आ रहा होगा, आप देख सकते हैं। इससे आपके वीडियोस जो हैं वो काफ़ी छोटे हो जाएंगे। अगर आप एक यूट्यूबर हैं या कंटेंट क्रिएटर हैं तो आप इसकी मदद से आप जो है आपके वीडियो काफ़ी छोटे कर सकते हैं, यानी कि उनकी साइज़ काफ़ी कम कर सकते हैं विदाउट लूजिंग एनी क्वालिटी। जी हाँ दोस्तों, अब मैं इसको एक और बार जो है ओपन करता हूँ, यानी कि मुझे दो वीडियो हैं एक साथ कन्वर्ट करने हैं, एक ही साथ, यानी पैरेलल कन्वर्ट करना है। यानी कि इसमें क्या होता है दोस्तों, अगर हम दो वीडियो एक साथ कन्वर्ट करेंगे तो ये पहले एक वीडियो करेगा फिर उसके बाद दूसरा वीडियो करेगा। अब मुझे क्या करना है, इसमें दो वीडियो एक ही साथ करना कन्वर्ट करना है, वो भी पैरेलल में, यानी कि इसको मेरे को एक और बार ओपन करना पड़ेगा। तो मैं शिफ्ट प्रेस करूँगा सिंपली यहाँ पर और एक और बार इस पर क्लिक कर दूंगा। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये हमारे पास जो है एक और जो है यहाँ पे प्रोग्राम ओपन हो चुका है। तो सिंपली इस तरह से आप जो है कई सारे ऐसे प्रोग्राम जो है शिफ्ट प्रेस करने के साथ आप ओपन कर सकते हैं। अब शिफ्ट के साथ ऐसा होता है दोस्तों कि वो प्रोग्राम जो है फ्रेश तरीके से ओपन होता है। अब भले ही इसमें प्रोसेस चल रही हो फिर भी वो जो प्रोग्राम है वो आपका जो है फ्रेश तरीके से ओपन होगा, उसमें आप दूसरी प्रोसेस रन कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप जो है आपका एक ही प्रोग्राम को कई सारी बार ओपन कर सकते हैं और इसका फायदा उठा सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो जरूर से इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि रोजाना मैं आपके लिए इसी तरह के टेक वीडियोस लेके आता रहता हूँ और साथ ही साथ कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट जो आपको जाननी जरूरी होती है वो भी मैं आपको देता रहता हूँ इसी चैनल पे। अगर आपको चैनल सब्सक्राइब करना है तो यहाँ पे एक लिंक है, उसके जरिए आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं।
लास्ट के दोनों अपलोड वीडियो लिंक यहाँ पे, उनके जरिए लास्ट के दोनों अपलोड वीडियो देख सकते हैं। अभी के लिए जुड़े में इतना ही, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।